कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर महाराष्ट्र पहले से ही हाई अलर्ट पर था। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों पर तगड़ी निगरानी रखी जा रही थी, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में ओमिक्रोन जैसे विस्फोट सा हो गया। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक साथ ओमिक्रोन के 8-8 नए केस सामने आए और इस तरह से महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओमिक्रोन के इन 8 मामलों में से 7 मुंबई में है और बड़ी बात यह भी है कि इन 8 लोगों में से 7 लोगों को वैक्सीन लगी हुई है जबकि एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रोन कितनी तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में ओमिक्रोन के अब तक 28 केस आ चुके हैं, राजस्थान में 13, गुजरात में 4, कर्नाटका में 3, दिल्ली में 6, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1 और इस तरह भारत में अब तक ओमिक्रोन से कुल 57 केस हो चुके हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कोरोना के एक साथ 4-4 नए केस आए और इस तरह से दिल्ली में ओमिक्रोन से संक्रमित मरीजों की संख्या एकदम से बढ़कर 6 हो गई। ऐसे में सबको संभल कर चलने की चुनौती है। दिल्ली में विदेश से एयरपोर्ट आए कुल 74 लोगों को अब तक LNGP में भर्ती कराया जा चुका है, इनमें से 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अभी अस्पताल में 38 मरीज हैं, जिनमें से 35 कोरोना पॉजिटिव हैं। LNGP में अब तक कुल 6 मरीजों की रिपोर्ट ओमिक्रोन पॉजिटिव आई है, इनमें से एक मरीज ठीक हो चुका है, उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 5 ओमिक्रोन पॉजिटिव मरीज अभी भर्ती है। 4 और कन्फर्म हुए कल जो हुए थे, उसमें से अब एक ठीक होकर घर जा चुके हैं। सर इनकी स्थिति क्या है? मतलब ठीक है, सारे स्टेबल हैं, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी इस अस्पताल में लोग हैं सारे स्टेबल हैं। हम आपको बता दें कि पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी और कुछ ही महीनों बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के चलते कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखने को मिली, जबकि अमेरिका, इंडोनेशिया और यूरोप के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट से लाखों मौतें दर्ज की गई और अब ओमिक्रोन वेरिएंट दुनिया के 71 देशों में फैल चुका है। ओमिक्रोन को लेकर तो ये भी चेतावनी दी जा रही है कि ये कई गुना तेज रफ्तार से फैलता है। शुरुआती आकलन ये भी है कि इम्यूनिटी वाले लोगों को कम गंभीर बीमारी देता है, लेकिन खतरा डेल्टा जितना ही है। ऐसे में सरकार भी जानती है कि ओमिक्रोन घातक रूप ना ले, इसके लिए इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ओमिक्रोन से निपटने के लिए दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर SPCCC में ITBP ने कमर कस ली है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में 650 से ज्यादा बेड्स तैयार किए गए। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद थर्ड वेव आ सकती है ओमिक्रोन के बाद, तो ये सेंटर हमारा फंक्शनल है और यहाँ पर लगभग 650 बेड्स अवेलेबल हैं, जिन्हें हम किसी भी समय बढ़ा भी सकते हैं आने वाले टाइम पे। यहाँ पर 150 बेड्स ICU बेड्स हैं जो कि PM केयर्स फंड से स्थापित किए गए थे, साथ ही साथ 500 और बेड्स हैं जो ऑक्सीजन बेड्स हैं। तो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और बाकी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे टीम है दिल्ली प्रशासन के साथ, वो लगातार यहाँ स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और बहुत शॉर्ट नोटिस में हम इसको शुरू कर सकते हैं। अभी भी हम पेशेंट्स लेने की स्थिति में हैं। देश के कई राज्यों में अब ओमिक्रोन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब है। सरकार नागपुर और औरंगाबाद में भी लैब शुरू करने पर विचार कर रही है। आज तक ब्यूरो।